हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम बात करेंगे मिस जज की हलावा वैक्स के ऊपर। सो यू ऑल नोज अबाउट के हलावा वैक्स जो है, वैक्स की सबसे ज्यादा अमेजिंग कैटेगरी में हलावा वैक्स आता है। बहुत सारे वैक्स होते हैं, बट ये वैक्स बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग चाहें तो अपने फेस पर भी इसे यूज कर सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ये आपकी स्किन को टोन अप भी करता है। हलावा वैक्स इज नोन एज अरेबियन वैक्स। हलावा वैक्स एक्चुअली इसे फिंगर वैक्स भी कहा जाता है। इससे आप फिंगर की हेल्प आउट से अपने हेयर्स को बआसानी रिमूव कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग पिक्चर्स में देख रहे हैं, इसे आराम से आप अपनी अपर लिप्स को भी रिमूव कर सकते हैं और अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हैं, अपनी लेग्स पर, अपने आर्म्स पर, और लाइक इवन जो भी आपको हेयर रिमूव करना है आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। और आपको इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। मिस टच का जो वैक्स मुझे रिसीव हुआ है, इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑरेंज काइंड ऑफ शेड, और इसके अंदर काफी सारे इनके इन्होंने न्यू वैक्स अपने लॉन्च किए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो कि मुझे रिसीव हुआ है। इसके ऊपर मेंशन है कि इसके अंदर विटामिन सी एक्सट्रैक्ट शामिल है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर जो है वो एक बिल्कुल नॉर्मल वैक्स की तरह है, और पहले से रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, उसके बाद ही अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। फेस पे अप्लाई करने के लिए मैं इस वक्त अपर लिप्स के लिए कर रही हूं, तो सबसे पहले कोई भी आप पाउडर वगैरह यूज कर लें, अपनी स्किन को पहले ठीक से क्लीन कर लें और उसके बाद अप्लाई करें पाउडर, और उसके बाद इसको थोड़ी सी अमाउंट में लेकर, और इस तरीके से आप मेरी फिंगर की मूवमेंट चेक कर सकते हो किस तरीके से मैं हेयर्स को रिमूव कर रही हूं, और ये बआसानी हो जाते हैं। किसी किस्म की फेस के ऊपर रेडनेस नहीं होती और बहुत ही ज्यादा इजी वे है आपके हेयर्स को रिमूव करने में। मोस्टली लोग हैं जिनको फेस पर इरिटेशन होती है, फेस वैक्स नहीं करवाते और वैक्स करवाते हुए बहुत ज्यादा घबराते हैं, तो उनके लिए ये वैक्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये आपके फेशियल हेयर्स की जो ग्रोथ है उसको भी कम करता है, और जिस तरीके से हम नॉर्मल थ्रेडिंग करते हैं ये लाइक इस तरह ही वर्क करता है। जो लोग फर्स्ट टाइम फिंगर वैक्स यूज कर रहे हैं तो काइंडली वो लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर अपने फेस पे अप्लाई करें। पहले अपने वो आर्म्स वगैरह पे यूज कर सकते हैं इसे, क्योंकि इसको टैकल करना बहुत मुश्किल है। यू कैन सी द रिजल्ट, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बालों को भी ये निकाल देता है। और साथ ही साथ मैं अपने हैंड पे भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से, ये अपने हैंड्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हो वैक्स, बहुत ही ज्यादा ईजी है। इसी भी सेम तरीके से ही हम करेंगे वैक्स। बिफोर अप्लाई वैक्स हम थोड़ा सा पाउडर यूज करेंगे ताकि हमारे ऊपर स्किन पे किसी किस्म का जो भी स्वेटिंग वगैरह है वो ना रहे, और बआसानी आपके जो हेयर्स हैं वो जड़ से निकल जाए। और फिंगर वैक्स की, हलाव वैक्स की बहुत अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल छोटे छोटा बारीक जितने जिसे कहते हैं लाइक फेशियल हेयर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से निकालता है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोई और क्लीन कर देता है। और मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोड पे रखा है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए किस तरीके से ये वैक्स यूज किया जाता है, और आप लोग मेरी फिंगर की मूवमेंट से देख सकते हैं। इसको हम प्रेस करेंगे और इस तरह स्ट्रेट हम वे में इसको निकालेंगे। और अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है मेरी तरह, तो आप लोग यही वैक्स यूज कर सकते हैं स्ट्रेप्स की मदद से, ताकि आप अपने बआसानी अपने हेयर्स घर बैठे, सलोन से भी ज्यादा बेहतर तरीके से अपने घर में वैक्स कीजिए। और मिस टच का हलावा वैक्स बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दी है। अगर आप लोग भी हलावा वैक्स बाय करना चाहते हैं या इसके अलावा मिस टच के बहुत ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग से प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, सो पेज पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।